एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और शाम से भी ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, तो जा रही थी अपने सेकंड चैनल पे कुछ हेयर स्टाइल वीडियोस बनाने के लिए। तो उसी के लिए थोड़ा सा मेकअप किया है मैंने, यानी कि अब ये देखिए आँखों का मेकअप किया है तो कुछ ऐसा, और कुर्ती मैंने येलो डाली है। तो मैं हेयर स्टाइल मांग टीका हेयर स्टाइल वीडियो बनाने जा रही थी, तो सोचा मैं ब्लॉग भी यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। बारिश होने लगी है तो नीचे भी कुछ सामान लेने जाना था, तो मैं वेट कर रही हूँ बारिश बंद हो तब मैं जाऊँ। देख सकते हो आप लोग बारिश हो रही है, तो चलिए फिर बनी रहिए और बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी नहीं लग रही हूँ, अच्छा मेकअप हुआ है कि नहीं हुआ है। से तो मैं यहाँ तक निकल आई हूँ, चलती हूँ नीचे सामान लेके आती हूँ, फटाफट वीडियो बनाती हूँ क्योंकि पहले रेडी हो फिर वीडियो बनाओ और फिर मेकअप रिमूव करो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और सोच रही थी मैं अपने सेकेंड चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप वीडियो के रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, लेकिन मेरे पास ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आप लोगों को बताऊँगी भी थोड़ी देर में। तो चलिए पहले सामान लाती हूँ और बताना ज़रूर मैं कैसी लग रही हूँ कैसे नहीं, ठीक है। तो गाइस मेरा फुल वीडियो देखने के लिए हेयर स्टाइल तो आप मेरे सेकंड चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। सेकंड चैनल नेम है नेहा अनिका ब्लॉग्स, उस पर मैंने मेकअप रील और ये हेयर स्टाइल वीडियो और जिससे आप कुछ सीख सकते हो, तो चैनल अच्छे वो चैनल पे जाके विजिट करिए। ब्लॉग अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें। और मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हूँ, इसलिए मैं खुद की नज़र खुद से उतार रही थी। तो इसमें मैंने कुछ कुछ आपको दिखाया है और तो आप फुल देखने के लिए प्लीज़ उस पर जाके ज़रूर देखिए, उसे खूब सारा प्यार दीजिए क्योंकि गर्मी में और बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए वीडियो शूट करना। और तो आप लोग बताना कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे हैं। और जो न्यू दुल्हन होती है ना, जिनकी न्यू न्यू शादी होती है, वो है ये हेयर स्टाइल कर सकती हैं बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छी लगने वाली हैं, क्योंकि मुझे पता है ये हेयर स्टाइल सब पे बहुत ही अच्छी जाएगी। तो चलिए फिर बनी रहिए आप लोग, तो देखिए कितनी प्यारी हेयर स्टाइल है। तो आप लोग खुद से खुद बताइएगा कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही है। और बहुत लोग कह रहे थे दीदी आप शादी कर लीजिए, मैं आपको दुल्हन के रूप में देखना चाहती हूँ। तो मुझे पता है आप लोग चाहते हो कि मैं शादी कर लूं, लेकिन शादी का डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लिया जाता है क्योंकि फुल लाइफ का डिसीजन होता है। और पता नहीं क्यों मुझे जब शादी की बात आती है ना, तो मुझे अपने बाबू की बहुत ज़्यादा याद आती है। और तो मैं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन लग रही हूँ ना मैं दुल्हन की जैसी एकदम। काश मेरे बाबू होते ना तो बहुत खुश हो जाते मुझे ऐसे देख के, और क्योंकि मैं ब्लॉग शूट करती वीडियो बनाती तो वो देखते ना तो उनको अच्छा लगता। मिस करती हूँ मैं उनको। तो यहाँ पे आप लोग बताना कि कैसा ये लुक लग रहा था कैसा नहीं लग रहा था। और मांग टीका हेयर स्टाइल मैंने दिखाई है तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो मैंने इसका ब्लॉग भी बना लिया आप लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि बहुत लोग नहीं जाएंगे उस चैनल पर तो इसी चैनल पर देख लें, है ना। तो रुपट्टे पे कैसा लग रहा था ये बताइएगा आप लोग। इस पे आप जूड़ा भी बना सकते हो चाहो, मैंने तो ओपन करके रखा है, आपका मन हो तो आप जूड़ा भी बना सकते हो या ओपन भी रख सकते हो। तो वही सारी चीज़ें हैं गाइस, तो ये मेरा लुक कैसा लग रहा है बताइए बताइए। ये मैंने कुछ पंजाबी हेयर स्टाइल की थी उसका ये मेरा लुक है। मैं लग रही हूँ ना पंजाबन, आप पंजाब मतलब पंजाब में जो शादियाँ होती हैं ना ऐसे ही मतलब हेयर स्टाइल करके आप जा सकते हो। ये पीछे मेरे मैंने पब बनाया है और साइड के ये हेयर मैंने किए हुए हैं और कुछ ऐसी मेरी हेयर स्टाइल है। और जिनको सर से पल्ला लेना है ना तो वो भी ऐसे ले सकते हैं, और कितने प्यारे लगने हैं ना, है ये पंजाबी लग रही हूँ कि नहीं लग रही हूँ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो देखते रहिए।
हेयर स्टाइल वीडियो हो गया कंप्लीट। और लास्ट ये हेयर स्टाइल था मेरा सिंपल सा, और मैंने इस पर बन बना लिया। और इसको हटा के आप ऐसे भी कर सकते कॉमी, और बहुत ही सुंदर ये हेयर स्टाइल है, बहुत इजी है, जिसको कहते हैं माठा मांगवेदी स्टाइल। ना ये लास्ट मेरा बहुत ही अच्छा था, बहुत इजी भी है, बहुत जल्दी बनने वाला। और तो बताना आप लोग कि नहीं, फुल देखने के लिए आप मेरे दूसरे वाले चैनल पे जाके देख सकते हो कि हमने इसको कैसे बनाया है, कैसे नहीं। बहुत इजी है, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हमें शादी में जाना होता है और समय बहुत कम होता है ना हमारे पास, तो फटाफट हम ये मांग टीका हेयर स्टाइल बना के जा सकते हैं, खूबसूरत भी लगने वाले हैं, है ना, खूबसूरत भी लगने वाले हैं, सबकी नज़रें आप पे ही टिकी रहेंगी। तो एक बार ट्राई ज़रूर करना और उस पे जाके ज़रूर देखना। और मेरे ससुराल वाले ना जलने वाले हैं, क्योंकि मेरा एक एक वीडियो देखते हैं, मुझे इतना रेडी देख के ना पूछो नहीं कितना जल रहे होंगे, सोच रहे होंगे हाँ ये जल्दी जाए, क्योंकि अल्ले क्योंकि वो लोग यही सोच रहे हैं ना, जब मुझे ऐसे ही देखते हैं ना गेटअप में, तो सोचते हैं मेरी शादी होने वाली है। हाँ मेरी शादी होने वाली है, उनको बड़ी खुशी मिलती है क्योंकि उन लोगों ने हाँ कर दिया है ना, इस वजह से। चलिए मैं थोड़ी सी रील्स वगैरह बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं खुद को निहारी जा रही थी और मैं कुछ, मुझे लग रहा था कि मैं पंजाबन लग रही हूँ। तो आप लोग बताइए क्या मैं सच में पंजाबन लग रही थी कि मुझे ही लग रहा था? तो वही, मैं खुद को बार बार मोबाइल में देखे जा रही थी। तो चलिए फिर अभी हम आपको मिलते हैं, शाम को डिनर में क्या बनने जा रहा है। तो शाम को सब्जी कुछ भी नहीं थी, तो हमने सोचा ये मखाना और आलू की सब्जी बन जाती है, बहुत ही टेस्टी लगती है मखाना आलू। आप मतलब आलू नहीं डालना चाहते हैं तो सिर्फ मखाने का भी बना सकते हैं। तो मैंने मखाने और आलू फ्राई कर दिए थे, तो यहाँ पे फिर भाभी बनाने जा रही हैं, फ्राई करके मैंने रख दिया था। तो भाभी बनाएंगी आलू और मखाने की सब्ज़ी, तो जिसको खाना है तो प्लीज़ आ जाइए हमारे घर पे, खाइए आके आलू मखाना की सब्जी। तो वही रेगुलर मसाले हैं जो हम डेली सब्जी में डालते हैं, और बस प्यार होना चाहिए बनाने के लिए, मसालों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है जब हम मन से बनाते हैं, और ख़ासकर अपनों के लिए खाना बनाते हैं तो टेस्टी बनता ही बनता है ना। तो मसाले यहाँ पे हो गए हैं, और फिर उसके बाद भाभी ने इसमें डाल दिया है, और इसको अच्छे से भून के और पानी ऐड कर देंगे। बस थोड़ा सा पकाना है क्योंकि आलू मैंने फ्राई कर लिया था, तो ज़्यादा देर पकने में सब्जी को टाइम नहीं लगने वाला है। और जितनी जैसी आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से रखिए, और नमक डाल दीजिए, नमक अपने टेस्ट अनुसार डालिए, बन जाएगी आपकी आलू मखाने की सब्जी, बहुत ही टेस्टी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो चलिए फ्रेंड, मैं इस ब्लॉग को अब एंड करूँगी, होप करूँगी कि आप सबको बहुत अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो प्लीज़ भर भर के कमेंट करना, इस वक्त कमेंट बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं और बहुत लो हो जा रहा है मेरा चैनल। तो चलिए बाय बाय फ्रेंड, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ में। बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे फैमिली।